24 न्यूज इन इंडिया के लिए बिजनौर से अमीन अहमद की रिपोर्ट। यूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, विधायक से लेकर सांसद, संसद से लेकर मंत्री तक आवास योजना को हर गरीब का हक बताते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा लगता है कि आवास योजना गरीब की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। आज हम आपको जनपद बिजनौर के कस्बा बुढ़ापुर की रहने वाली एक गरीब विधवा की कहानी सुनाते हैं। मोटी जो बिजनौर के एक छोटे से कस्बे बुढ़ापुर में छिपनुमा मकान में जीवन बसर करती है। एक तरफ खोखला सिस्टम है तो दूसरी तरफ गरीबी की मार। नगर पंचायत के कर्मचारी और संबंधित विभाग के अधिकारी आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए 10,000 रुपए की मांग करते हैं। रुपया न होने की वजह से इस गरीब को अपने छप्पर वाले मकान में रहकर गुजारा करना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है अम्मा? मेरा नाम मोटी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है और आप इस 56वां मकान में रह रही हैं। जी, तो मेरा तो नहीं बना, मेरा कोई लड़का नहीं, मेरा कोई आदमी नहीं है, मेरा कोई भैया भतीजा नहीं है, एक लड़की है, वही बेचारी अपने घर बार है। आपसे कोई पूछना आया था मकान बनने के लिए? ना जी। तो कोई किसी ने फॉर्म वॉर्म नहीं भरवाया आपका? ना, फॉर्म भरवाया था। फिर फॉर्म भरवाया था, बस बिजनौर दबे पड़े, जन ही दब रखे। यहाँ किसी ने पैसे की मांग की? हाँ, उसने नरपाल ना पैसे के रंदा लगा। कितने पैसे मांगे? उनसे 10,000 का। क्या कह रहे थे? वो कहता ना 10,000 से लेंगे। Thank you.